नमस्कार दोस्तों, साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आपका स्वागत है। आज की कहानी, आज की कथा, व्यक्ति को अपने जीवन में अपने सारे संसाधन और सारी ऊर्जा किसी सकारात्मक काम में लगानी चाहिए, जिसका उपयोग हो उसके खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसे ही सनक में आके, झोंक में आके अपने आप को कहीं नहीं लगाना चाहिए। किसी गांव की एक बड़ी विशाल सी नदी के किनारे बहुत सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा था, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। कोई जय जयकार हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, कुछ मंगलाचरण हो रहा था। कोई राहगीर उधर से निकला, बड़ा अबोध सा आदमी, इनोसेंट सा आदमी, वो निकला। उसने जाकर पूछा, भाई आज ये क्या तमाशा हो रहा है? तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसको बताया, अरे तुमको दिखता नहीं, एक ये श्रीमान जी हैं, ये पिछले 18 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 18 वर्षों से एक टांग पर खड़े हैं, 24 घंटे में एक गिलास दूध पिया है इन्होंने, 18 वर्षों में अन्न के हाथ नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा, सचमुच बड़ी कठोर तपस्या है, किस लिए किया इन्होंने ये सब? एक बड़ी भारी सिद्धि इनको मिलने वाली है और ये सारे लोग इकट्ठा भी उस सिद्धि का प्रमाण देखने के लिए यहां पर हैं। अच्छा, क्या हासिल होने वाला है इनको? ये इस तपस्या के बाद इस नदी के ऊपर से अपने पांव से चलते हुए निकल जाएंगे, नदी को बिना किसी आश्रय सहारे के पार कर लेंगे, हमेशा के लिए नहीं, एक बार। ये एक बार इस नदी में इधर से जाएंगे और पानी में डूबेंगे नहीं, और ऊपर ऊपर निकल के अगले किनारे पर निकल जाएंगे। राहगीर भी खड़ा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। तभी जय घोष हुआ कि लो, उसकी तपस्या भंग हो गई और वो पधारते हैं। तपस्वी महोदय किनारे पर आए, पानी पर उन्होंने पहला पांव रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, और भीड़ देखती की देखती रह गई। पानी में वो डूबे नहीं, पानी के ऊपर कदम दर कदम चलते हुए नदी के दूसरे किनारे पर चले गए। भीड़ ने महान जय घोष किया, वाह 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 वाह, असाधारण है, अद्वितीय है, कमाल हो गया, गजब हो गया। फिर उस राहगीर ने पूछा कि अब ये वापस कैसे आएंगे? तो उस ग्रामीण ने उत्तर दिया, वो देखते हो ना तुम, एक नाव खड़ी है वहां पर, उस नाव में बैठ के वापस आएंगे। अरे भाई, अपने जीवन के 18 वर्ष इन्होंने केवल इस बात के लिए खराब कर दिए कि एक बार पानी के ऊपर से चल के चले जाए। मैं फिर दोहराता हूं, सनक में आके, किसी झोंक में आके अपने जीवन की एनर्जी को, ताकत को, शक्ति को सकारात्मक काम में लगाएं, जो आपके खुद के काम आए, जो समाज के काम आए, परिवार के काम आए। 2 रुपए देकर नदी पार कभी भी की जा सकती है, दिन में 4 बार पार की जा सकती है, 8 रुपए का खर्चा होता है। उसके लिए अगर किसी ने 18 वर्ष अपने जीवन के लगा दिए, मुझे नहीं पता समझदारी की या कुछ और हुआ। कथा प्रवाह में आज बस इतना ही, अगली बार फिर एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।